सच्चा साबु साबुदाना बोंडा। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबु का साबुदाना। एक कप सच्चा साबु साबुदाना ले। इसे 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लें। 2 मध्यम आकार के उबले और मैश किए गए आलू लें। इसमें 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च डालें। भीगा हुआ सच्चा साबु साबुदाना डालें। दो बड़ा चम्मच हरी धनिया पत्ती डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें। 1/2 टीस्पून अमचूर डालें। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालें। ज़ीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून डालें। लाल मिर्च पाउडर डालें। 1 चम्मच से मैश करते हुए सभी चीज़ें आपस में मिलाएं। 1 कटोरे में 2 बड़े चम्मच बेसन ले। इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन डालें। चुटकी भर बेकिंग सोडा डालें। अल्पाहार हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून अल्पाहार टर्मरिक पाउडर डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें। बेसन में पानी डालकर चिकना घोल बनाएं। ध्यान रहे कि सारा पानी एक साथ ना डालें। बेसन के घोल को अच्छे से फेंटें। साबुदाना और आलू के मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इसे बेसन के घोल में डाल दें। इसी तरह से बाकी भी तैयार करें। एक फोर्क की मदद से सभी बॉल्स को बेसन के बैटर में कोट कर लें। एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल गरम करें और इसमें तैयार किए गए बोंडे डालें। बोंडे को मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करें। ध्यान रहे कि तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। सच्चा साबु साबुदाना बोंडे को सुनहरा होने तक सेकें। इसे पुदीने की चटनी और केचप के साथ परोसें।